चलिए इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं एक बड़ी जानकारी का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सांसदों की मांग, बैठक में राहुल गांधी को चुना जाएगा विपक्ष का नेता। राहुल ने विचार के लिए समय मांगा है। शाम 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और संसदीय दल की अध्यक्षता करेंगी सोनिया गांधी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। बैठक में राहुल गांधी के LOP पोस्ट पर लगेगी मुहर। संसदीय दल की बैठक में प्रस्ताव आएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संसदीय दल की बैठक में ये प्रस्ताव आने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना जाएगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ये मांग कांग्रेस के लीडर्स उठा रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्षी दल का नेता राहुल गांधी को चुना जाना चाहिए। बैठक में राहुल गांधी के LOP पोस्ट पर मोहर लगने वाली है। संसदीय दल की बैठक में ये प्रस्ताव आने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना जाएगा, इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि विचार करने का समय राहुल गांधी की तरफ से मांगा गया है। उनका कहना है कि मुझे उसके लिए सोचने का वक्त चाहिए। बैठक में राहुल गांधी के LOP पोस्ट पर मोहर लगेगी क्या, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। CWC की बैठक में सांसदों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है। बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना जाने की मांग लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय दल की बैठक में ये सस्पेंस जो है वो खत्म होगा। संसदीय दल की बैठक में ये प्रस्ताव आएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल, लगातार इस पर संशय बरकरार है। और कांग्रेस CWC की बैठक में सभी सांसदों ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुने जाने की मांग की है। इस पर शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी को इसका फैसला करना चाहिए, वो ये बात कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ शशि थरूर है बातचीत करने के लिए। एक अच्छी मार्जिन की जीत आपने हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ, देखिए जो जीता वही उसके अंदर तो मैं आया हूँ, जीत के आया हूँ। अभी चुनाव खत्म हो गया, अभी पार्लियामेंट में काम शुरू करना है बस। ये आज आप लोगों ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी है, क्या कुछ खास रहा, क्या राहुल गांधी के नाम पे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, आप स्पोक्समैन से पूछ लीजिए, वो लोग बताएंगे वक्ता से। ठीक है, साफ तौर पे शशि थरूर का कहना है कि अपनी जीत के बाद वो बेहद खुश है। और हालांकि मीटिंग खत्म हो चुकी है, तमाम नेता जो है वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी जीत का खुशी मनाते हुए शशि थरूर जो थे वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन अवेश के साथ मैं कनिका, न्यूज़ एक्स दिल्ली। और कनिका कटियार मेरी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। कनिका, लगातार ये सस्पेंस बरकरार है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस के लीडर्स भी लगातार ये मांग उठा रहे हैं, वो ये चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए। देखिए, बिल्कुल, चुनावी परिणाम आने के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक की बात करें तो हमारे सूत्रों ने हमारी जानकारी दी है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उसके अलावा तमाम जो सांसद वहाँ पर मौजूद थे, तमाम जो नेता वहाँ पर मौजूद थे, उन सभी लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो राहुल गांधी को निभानी चाहिए। और बल्कि सभी नेताओं के कहीं ना कहीं ये बोलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने राहुल गांधी को गुजारिश की है कि राहुल गांधी को तमाम जो नेता मांग कर रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हंसते हुए इस बात को कहा कि आपको पार्टी के जो नेता मांग कर रहे हैं उसको बिल्कुल मानना चाहिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा। इस तरह की हंसी मजाक करते हुए राहुल गांधी को उन्होंने कहा है। हालांकि राहुल गांधी ने सबकी बात सुनी है और राहुल गांधी ने उन तमाम नेताओं को बैठक में कहा है कि आप लोगों का जो भी ये विचार है मैं इसका समर्थन करता हूं, इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस फैसले को करने के लिए। हालांकि आज शाम को 5:30 बजे जो है संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें आज संसदीय दल का नेता जो है सोनिया गांधी को चुना जाएगा। ये एक प्रोसीजर होता है हर चुनाव के बाद, 5 साल बाद जो है
संसदीय दल का नेता जो है चुना जाता है, और आज की बैठक में तमाम लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद वहां मौजूद रहेंगे और वो सर्व सहमति से सोनिया गांधी को अपना नेता चुनेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम की बैठक में भी तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, वो ये प्रस्ताव जो है सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी और गांधी परिवार को करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि जब भी ऐसे कोई फैसले होते हैं गांधी परिवार और राहुल गांधी खुद करते हैं। और लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, लोकसभा चुनाव में तमाम मुद्दे उठाए हैं, पार्टी के फ्रंट में आकर एक चेहरा बनकर चुनाव लड़े हैं, अब उनकी जरूरत पार्टी को लोकसभा में भी है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी को तमाम नेता जो है वो दिखना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा है कि आप सभी के फैसले को मैं दिल से मानता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वो वक्त कितना होगा, हालांकि मुझे और आपको भी उस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में यही खास बात रही है कि तमाम नेताओं की ओर से यही कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राहुल गांधी को निभानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के वही एक नेता है जो अच्छे से बीजेपी को, एनडीए को और प्रधानमंत्री के तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल कनिका, देखिए पॉलिटिक्स में एक प्लान बी भी हमेशा रहता है। राहुल गांधी के नाम पर तो चर्चा चल ही रही है, और अगर वो इस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं होते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर किस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं कौन नेता प्रतिपक्ष हो सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। हालांकि अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को तमाम नेता चाहते हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन अगर राहुल गांधी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दो ऐसे नाम हैं, एक केसी वेणुगोपाल जो कि अभी वर्तमान में संगठन महासचिव भी हैं, लेकिन वो लोकसभा के सांसद दोबारा चुन के आए हैं, उनके नाम पर चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा गौरव गोगोई, आपको याद होगा पिछला सेशन जिसमें गौरव गोगोई प्रमुखता के साथ जो है तमाम सवाल खड़े करते रहे और राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं गौरव गोगोई, तो उनके नाम की संभावना जो है वो भी बनाई जा रही है। हालांकि पहला नाम जो है वो राहुल गांधी का है, तमाम नेताओं की चॉइस जो है वो राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी को तय करना होगा कि वो या तो पद खुद चाहते हैं या वो किसको देना चाहते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी इस पद को स्वीकार नहीं करते हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे कि वो नेता प्रतिपक्ष बने, तो गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल की संभावना जो है वो अपने आप में बढ़ जाती है, जिसमें गौरव गोगोई राहुल गांधी के बड़े ही खास है और एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है लगातार लोकसभा में देते आए हैं, तो कहीं ना कहीं गौरव गोगोई की संभावनाएं जो है बढ़ जाएंगी इस चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस सांसद लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हों, लेकिन राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा